सोशल मीडिया फेसबुक पर पाल बघेल समाज को अपशब्द और गालियां लिखने वाले युवक पर कार्यवाही की मांग को लेकर के पाल बघेल समाज के सैकड़ों युवाओं द्वारा रौन थाने का घेराव कर फेसबुक चलाने वाले युवक पर कार्यवाही की मांग की गई। रौन थाना पुलिस ने साइबर टीम की मदद से जल्द जांच कर कार्यवाही का भरोसा दिया है। दरअसल रौन थाना इलाके के आक्रोशित पाल बघेल समाज के युवाओं का आरोप है कि क्षेत्रीय एकता के नाम से फेसबुक पेज बनाकर मयंक प्रताप सिंह राजावत नाम के युवक ने पाल बघेल समाज को ठाकुर लिखने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया फेसबुक पर भद्दी भद्दी गालियों के साथ अपशब्द लिखकर धमकी दी, जिससे रौन थाना इलाके के दो दर्जन गांव के सैकड़ों से अधिक युवकों द्वारा रौन थाना का घेराव कर आरोपी युवक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए थाना प्रभारी को आवेदन देकर कार्यवाही करने की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी देते हुए बघेल समाज के जनप्रतिनिधियों ने कार्यवाही न होने पर जिला मुख्यालय पर घेराव कर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। वहीं रौन थाना जांच अधिकारी का कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले में साइबर टीम की मदद से तथाकथित गाली देने वाले और समाज विशेष के खिलाफ अपशब्द लिखने वाले युवक पर कार्यवाही की जाएगी। आज कुछ लोग आए हैं रौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत, कुछ बघेल समाज के लोगों को फेसबुक के माध्यम से किसी व्यक्ति ने ग्रुप में कुछ अपशब्द और जाति सूचक ऐसा गाली देने का आवेदन दिया है, जिसकी जांच की जाएगी और जो इसमें अगर दोषी पाया जाए तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। आज लगभग 50-60 लोग होंगे जो आए थे थाने के सामने खड़े होकर, उन्होंने एक लिखित में आवेदन दिया है। हमारा ये कारण यह है कि हमारे बघेल समाज के नाम पर एक किसी शख्स ने, नाम तो उस पर मयंक प्रताप सिंह राजावत आ रहा है, उसने बघेल समाज के हमारे पूर्वजनों को, हमको, हमारी माता बहनों को उल्टी सीधी गालियाँ दी हैं फेसबुक सोशल मीडिया पर। इसलिए हम सब, और उसका फेसबुक आईडी है क्षत्रिय एकता भिंड के नाम से है, और उसने बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ दी हैं। इसलिए हम सभी युवा रौन लार के सभी क्षेत्र के मचंड के सभी युवा एकत्रित होकर अपने थाना प्रभारी जी को आवेदन देना चाहते हैं कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भिंड से पंकज सिरोठिया की रिपोर्ट।